पैसे छापने की मशीन, आपको ये जो छोटी सी मशीन दिखाई दे रही है इससे आप घर बैठे पैसे छाप सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग जो भी होती है वो इसी के थ्रू होती है। ओके, मतलब इतनी छोटी सी मशीन से आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। जी मैम, ये देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन आपको नजर आ रही होगी। कम से कम आपको वो कमा के देती है मैम 18,000 रुपए का रेवेन्यू। ठीक है, आप अगर यहाँ होस्टिंग कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली इंश्योर करके दूंगा कि 8,000 पर मंथ वो आपको देगी। सोचना ही तभी स्टार्ट किया था क्योंकि सबको पता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस हो, ऊबर डाल लो, ये डाल लो, ये कोई साइड बिजनेस नहीं होता। हाँ जी, ये बिजनेस में मैम टाइम और एफर्ट सब देना पड़ता है। हाँ जी, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो लिटरली इसमें टाइम और एफर्ट्स नहीं है। ओके, बस एक बार आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद पैसे ही पैसे मिलने वाले। बिल्कुल। ओके, हे गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मार्केट में। गाइस, आज आपको बैकग्राउंड से कुछ अजीब लग रहा होगा क्योंकि जनरली हम होते हैं होलसेल मार्केट में जहां पर हम या तो मैन्युफैक्चरर्स दिखाते हैं या होलसेलर्स, बट आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूं। जिस चीज के लिए हम पीछे भागते हैं वो है पैसा, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं पैसे छापने की मशीन। आपको ये जो छोटी सी मशीन दिखाई दे रही है इससे आप घर बैठे पैसे छाप सकते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। इसमें मैं आपको बताने वाली हूं ये मशीन आप कैसे परचेज कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कैसे छाप सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सर से मिलवा देती हूं आपको। नमस्कार जी, दीपक गर्ग। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सर, फिर से आप लेकर आ गए पैसे छापने की मशीन? हां जी मैम, फॉर श्योर। ओके, तो सर बताइए थोड़ा इसके बारे में हमें। देखिए मैम, ये ना बहुत टाइम से ऐसे एक माइनर इंडिया में इंपोर्ट होते हुए आए हैं, एंड मैंने पर्सनली 2018 से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। एंड मैंने रशिया में अपना फार्म लगाया था बिकॉज वहां बिजली थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है, प्लस उसको इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट था यहां पर इंडिया में बिकॉज इट कम्स अंडर माइक्रो प्रोसेस सर, तो इसको उस हिसाब से इंपोर्ट करना होता है। बट अब हमने सितंबर से बहुत अच्छी इसके BIS वगैरह लेके हम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर गए हैं। ठीक है, अभी भी दिक्कत आती है बट हम कर लेते हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम था, नहीं तो ये ऐसे ऑन एंड ऑफ तो ये मार्केट के अंदर रही है, इंडियन मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं, कोई नई चीज नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग जो भी होती है वो इसी के थ्रू होती है। ओके, मतलब इतनी छोटी सी मशीन से आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। जी मैम, ये देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन आपको नजर आ रही होगी। तो सर, इससे लिटरली बिटकॉइन कैसे छपते हैं थोड़ा लोगों को बताएंगे? मैम देखो, बहुत ना टेक्निकल प्रोसेस है वो। आप सिंपली ये सोच लीजिए कि बिटकॉइन जब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर होता तो उस टाइम पे ना एक पैकेट क्लॉज करता है वो। ठीक है, कि भाई वो एग्जैक्टली, क्योंकि नाम तो होते नहीं मैम अकाउंटों की तरह, जैसे हम RTGS डालते हैं उसके अंदर अकाउंट मेंशन होते हैं, वेरीफाई हो जाता है, UPI ID में वेरीफाई हो जाता है, तो वो वेरीफाई नहीं होता इसके अंदर। बट ये ब्लॉकचेन और लेजर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर होता क्या है, बिल्कुल परफेक्टली आपका सही जगह पे स्पॉट पे जाए, एक घंटा एक ट्रांजेक्शन को लगता है ब्लॉकचेन पे मैम। अगर हम बात कर लें USDT की तो उसमें लगता है सेकंड्स। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इसकी एडवांस हो रही है, तो ये जो इसका डाटा होता है वो प्रोसेस होना होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेजर टेक्नोलॉजी। और इसका डाटा प्रोसेस करने का जो काम है, एक तहत से बिटकॉइन आपको दे रहा होता है, आप उसके ब्लॉक्स को सॉल्व करो या उसके डाटा को प्रोसेस करो, दोनों के तहत आपको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। आप ये बोल सकते हो जैसे एक बिल्डिंग बना ली हमने और बिल्डिंग बना के उसके 4 फ्लोर्स हैं, उनको रेंट पे चढ़ा दिया। ठीक है, व्हाई वुड दे पुट दिस मशीन, वो क्यों लगाएंगे, बेटर है कि और कोई लगाए। तो ये सबलेट कर दिया काम उन्होंने। ठीक है सर, जैसे अभी आपने मुझे बताया ये काफी टेक्निकल टर्म्स थी और काफी लॉन्ग प्रोसेस था। हाँ जी, तो ऐसा हर किसी को तो नहीं आता और किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो कैसे हम सिंपली इससे पैसा कमा सकते हैं? सिंपल सी कहानी ये है कि आप जैसे कोई भी मशीन सर्वर रेंट पे लेते हो, ठीक है, बहुत सारी आजकल नई नई कंपनी आई हुई हैं जो कहती हैं कि भैया क्लाउड लगा लो, ठीक है, हार्ड डिस्क के थ्रू आप डाटा स्टोरेज दे दो। सिमिलरली आप प्रोसेसिंग स्टोरेज दे रहे हो किसी को। आपको ये वाला काम ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट की तरह या सेल्स करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, मशीन लगाओ, बिजली दो, इंटरनेट दो, खत्म, बस मतलब कुछ नहीं करना। जो सर ने अभी इतना लंबा हमें लेक्चर दिया, प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना। बस आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है इसे और वाईफाई। बिल्कुल, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आपको लेना पड़ता हो, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे तर्क चल रहे होते हैं मैम, इसके अंदर नेट चलता है 200 MBPS का, कहां 500 KBPS का बहुत होता है, और आजकल नॉर्मल है कि आपको 500 KBPS का हर कई जगह अवेलेबल होता है। आप इसको घर पे लगाना चाहो घर पे लगा लो, नहीं तो मैम थोड़ा सा क्या होता था, ये थोड़ी साउंड करती है। ओके, आवाज नहीं चलाई। ये 3 kW की मशीन है बाय द वे। ठीक है, अभी हम यहाँ नहीं चला सक पा रहे, ये मेरा घर है। ओके, तो आप ये लगा के चलिए मैम, इस मशीन को हम होस्ट भी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, आप अगर चाहोगे तो ये मशीन यहीं की ही लगा सकते हो। हमारे पास होस्टिंग फैसिलिटीज है यहाँ पर। ठीक है, एंड इफ पॉसिबल तो आप लोग आइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वहां पर भी लेके चलूंगा, वहां हमने सारे क्लाइंट्स की लगा रखी है। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक अलग से स्पेस लेने की जरूरत है। स्पेस है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी है तो लगा सकते हैं। बिल्कुल। ओके, और जरूरत नहीं है तो आप सर से कॉन्टेक्ट करके यहाँ भी करा सकते हैं। अब सर, इसकी इसमें वैरायटीज होते हैं या सिर्फ एक? बहुत सारी तरह की मशीनें आती है। सिंपल तरीके से इसमें जितनी ताकत है उस हिसाब से काम चल रहा होता है। जितनी एफिशिएंट मशीन है,
जितनी कम बिजली ले रही है ज्यादा ताकत के साथ उस हिसाब से काम हो रहा होता है। एक टेराहैश आपको 200 रुपए कमा के देती है महीने में, ठीक है। 90 टेराहैश की मशीन सबसे बेसिक आती है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, S1990 टेराहैश उसको बोलते हैं। एंट माइनर इसका मॉडल है, बिटमैन इसका ब्रांड है। बिटमैन जैसे 4 या 5 ब्रांड्स हैं, ठीक है, वॉट्स माइनर, इनो सिलिकॉन, इस तरह के। हम ज्यादातर बिटमैन इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैम उसका ना स्पेयर्स और रिपेयर भी हमारे पास ही है, ठीक है। तो मतलब कोई दिक्कत भी आ जाती है तो कोई डेफिनेटली अगर कुछ भी खराब होता है तो विल टेक केयर ऑफ इट। इसका हम अलग से 10,000 वैसे चार्ज करके रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ओके, मतलब सर्विसेज भी आपको मिलने वाली है साथ के साथ। सर, जैसे अगर बेसिक मॉडल जो आपने कहा S90 से स्टार्ट हो जाता है तो वो हमें मंथली कितना इनकम दे देगी? मैम वो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेराहैश इक्वल टू 200 रुपए अगर वो महीना तक चल रही है कंटीन्यूअस, आपको पर सेकंड पैसा मिल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपकी मशीन बंद हो गई तो डज नॉट मीन के भैया वो पिछले वाला जो काम हुआ वो खत्म हो गया, आप दोबारा से वहीं से रिज्यूम कर रहे हो जितनी देर के लिए लाइट गई गई, ठीक है। 90 टेराहैश है तो इनटू में कर लो 200, दैट मींस 18,000 रुपए महीने आपको मिल जाएंगे और आप में से कोई मेहनत नहीं करनी, आप इसको साइड बिजनेस भी तरीके से चला सकते हैं, ओके। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों के बिजनेस होते हैं शॉप जाओ ओपन करो बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पढ़ाई करता था मैम, आईएएस की तैयारी कर रहा था, ये मैंने सोचना ही तभी स्टार्ट किया था क्योंकि सबको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस हो, उबर डाल लो, ये डाल लो, ये कोई साइड बिजनेस नहीं होता, हां जी। ये बिजनेस में मैम टाइम और एफर्ट सब देना पड़ता है, हां जी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो लिटरली इसमें टाइम और एफर्ट्स नहीं है, ओके। बस एक बार आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद पैसे ही पैसे मिलने वाले हैं, ओके। सर, लिमिट की अगर हम बात करें, जैसे आपने सबसे छोटी मशीन बता दी 18,000 पर मंथ, उसके बाद कितनी कितनी वैरायटीज करेंगे? उसके बाद जैसे ये 120 टेराहैश की मशीन है, इसका नाम होता है S19J Pro Plus, ओके, ठीक है। बहुत सारे जे प्रो प्लस, हर चीज का अलग सिग्निफिकेंस होता है। जे प्रो सीरीज होती है वो डिफरेंट होती है, प्लस अलग होती है, ओके। 2,000-5,000 रुपए का वैल्यूएशन करके इसलिए हम बेस्ट मशीन ही ले लेते हैं, S19J Pro Plus 120 टेराहैश, ओके। ये कितना कमाएगी मैम? सिंपल 200 से मल्टीप्लाई करो 24,000 रुपए, ये आपको महीने का कमा के दे, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट है कि हम कितना कमा सकते हैं? ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बस मजे की बात यह है कि ये अभी ग्राउंड पे है, इससे सस्ती मशीन मैंने नहीं देखी आज, ओके। ये सबसे सस्ती है इस टाइम, मतलब अगर आपने अपने लॉसेस कवर करने हैं, अगर पहले भी कोई क्रिप्टो माइनिंग में रहा है, जीपीयू माइनिंग में रहा है, तो बेस्ट है कि आप लोग सिंपली ये मशीन लगाओ। देखो कुछ हद तक तो मैं पर्सनल गारंटी भी दे दूंगा, ओके, कि भाई कोई बहुत ज्यादा परेशान है बंदा, ठीक है, कि भाई हाँ बहुत ज्यादा लोनेबल फंड के ऊपर पैसा उठा के रख रहा है, या फिर पिछला ही कोई जीपीयू माइनिंग भी मैम सेम होता था हमारा, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जीपीयू भी लेके हम दे देते हैं, okay. मतलब द मेन थिंग इज कि अभी कम्युनिटी बनानी है मैम, ठीक है। अभी ये कम्युनिटी यहाँ से अगर यहीं से स्टार्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड बियर मार्केट, बुल मार्केट तक तो मैम फिर इंडिया नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ओके। तो मतलब आप हर तरीके की प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सर, ये मशीन की कुछ गारंटी वारंटी रहेगी? मैम एक साल की बिटमैन की तरफ से होती है ऑफिशियल वारंटी, उसमें 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, इसलिए हमने हमारा खुद का सर्विस सेंटर रॉबर्स इंजीनियरिंग के नाम से सैनिक फार्म में, ओके, नेहरू प्लेस में भी हम आउटलेट ओपन कर रहे हैं अपना, तो वहां पर आपको 24 आवर सर्विस में हम गारंटी करते हैं, वी चार्ज 10,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट, ओके। तो सब कुछ क्लियर है, 10,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट आपको सर्विसेज मिल रही है, क्योंकि होता है ना किसी को नॉलेज नहीं है, हर किसी को नॉलेज नहीं होती है। देखो हर चीज की हम सिक्योरिटी पॉसिबल मैम हर कुछ करके दे रहे हैं। सर, आपने इसमें सारे पॉजिटिव हमें बता दिए कि हम इसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और काफी अच्छा है, इसमें कुछ हमें ज्यादा टाइम वगैरह भी नहीं देना, बट ये कब तक कमा सकते हैं, कोई इसकी टाइम लिमिट? मैम देखो वो तो सर्टेनिटी तो मैम मेरी खुद की भी नहीं है, कल उड़ जाए हम, है ना। तो बट मैम जिस हिसाब से सब कुछ दिख रहा है, एक लॉजिक अगर हम इन्फर करना चाहें तो मैम ये मशीन इससे नीचे नहीं जा सकती, ये फॉर श्योर है। फॉर एग्जांपल मैम कोई गाड़ी होती है, ठीक है, जैसे मेरे पे बाइक थी हायाबुसा, हमें पता है कि मैम उसका इंजन 1300 cc का है, वो 6 लाख का मिनिमम कबाड़े में जाएगा, तो मैम मैं इन्फर कर सकता हूँ कि 6 लाख की अगर मुझे कोई भी बाइक मिल रही है तो मैं ले सकता हूँ। सिमिलरली मैम इसके अंदर 7 nm चिप लगी होती है, उसकी कॉस्टिंग होती है, ये मशीन हम 1,30,000 की दे रहे हैं, तो मैम इसकी कॉस्टिंग आती है इतनी, okay. इसे सस्ती नहीं मिल सकती आपको, तो ये बेसलाइन मैम क्लियर है कि हम अपना स्टॉक महंगा नहीं खरीद रहे। सेकंड मैम रेवेन्यू इतना फास्ट और हाई है कि विद इन 6 to 7 months हम मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्टिंग अपनी निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, जीरो हो जाएंगे, और आपका स्टॉक तो ऐसे कैसा खड़ा है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने का तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो डेफिनेटली 80% वैल्यू तो मैं श्योर करके दूंगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली एक हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा अगर किसी को कोई नीड है तो, ठीक है, वो मैं फर्निश कर सकता हूँ, बिकॉज मैम इतना ट्रस्ट मुझे भी है इस टेक्नोलॉजी पे, और मेरे को टाइम हो गया 5-6 साल हो गए, तो मैंने देखा है। बाकी हाल्फिंग आनी है, जिसको बोलते हैं BTC हाल्फ हो जाएगा, वो 2024 में आएगा, अगले साल अप्रैल में, तब तक भी अपने पास बहुत समय है। उसके बाद भी हाल्फिंग का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन फिर डबल होएगा,
मैम अभी हम ना बिटकॉइन माइन कर रहे होते हैं ना कि पैसे, ठीक है। तो हमें बिटकॉइन की वैल्यू आपको सिंपल सिखाने के लिए हमने 200 रुपए वाली पैरिटी दे दी, लेकिन ये 25,000 रुपए की बीटीसी माइन कर रही होगी। आप उसको बेच के लेना चाहो आईएनआर ले लो, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हैं। मैम बिटकॉइन अभी 25 लाख पे है, 60 लाख हम लोगों ने देखा हुआ, अब भी देखा हुआ रिसेंटली। तो उस पैरिटी में अगर सोचोगे तो हाँ, मैं नहीं मानता जब तक जिंदा है तब तक काम चलेगा। तो आप देख सकते हैं सर ने इसके कितने सारे आपको एडवांटेजेस बता दिए हैं, और आप बेसिकली बिटकॉइन माइन कर रहे हो, और ये सबसे बेस्ट है कि आप उसे होल्ड करके भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। अपने बिजली के बिल्स निकालिए, दैट्स इट, बाकी सब होल्डिंग में डालिए। सर अब आपने इतने सारे फायदे बताए और घर बैठे लोग पैसा कमा ही सकते हैं, तो लोग चाहेंगे कि हम परचेज करें, तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखो मैंने अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिया हुआ, ठीक है, मैं पर्सनली मैनेज करता हूँ अभी के लिए, बिकॉज मैम बहुत सारी ना क्वेरीज होती हैं जो सेल्समैन नहीं पूरी कर पाएगा, ठीक है। मैं अपने पर्सनल चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी मैं खुद का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं अटेंड करता हूँ जैसे भी करके करूँ, ठीक है, चाहे जितनी कॉल्स आ जाए, थोड़ा सा टेकी हूँ मैं, कर लेता हूँ मैनेज CRM वगैरह से। और सिंपल आपको मेरे को कॉल करना, अपनी क्वेरीज पूछो, ठीक है, जो जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछिए, एंड हमारा जो ओरिजिनल BGC का अकाउंट है उसमें आपको पेमेंट करना है। आप कैश भी दे सकते हो, क्रिप्टो भी दे सकते हो, उसके लिए सारा लिसेड है, ठीक है। तुरंत की तुरंत आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, एक इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट होएगा जिसमें हम आपको एनी फ्यूचर लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडेमनीफाई कर देंगे। बेसिकली जो मैम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफाई बोल देते हैं, ठीक है। तो वो एक हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे होस्टिंग वालों को जिन्होंने हमारे पास ही मशीन लगानी है, कि भाई आपका एसेट मेरे पास है, सीरियल नंबर से सिक्योर्ड होता है, बाकी आप जो भी चीज ले रहे हो परचेज की तरह ले रहे हो, तो उसका अगर आपको चाहिए तो एग्रीमेंट टू सेल मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप प्री ऑर्डर्स पे ले रहे हो तो। सर जैसे कुछ लोग तो घर बैठे ही ऑर्डर कर देते हैं और सब कुछ फैसिलिटीज हो जाएंगी, बट कुछ लोग विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रियलिटी में, तो क्या रहेगा एड्रेस? मैम देखो अगर मुझे पर्सनली मिलना है तो मैं अपने घर पे ही मिलता हूँ, ये मेरा घर ही है, और यहाँ पर जैसे KYC यहाँ की दी होती है, तो जब इम्पोर्ट होता है तो यहीं आ जाता है प्रोडक्ट। बाकी हमारा जो मेन ऑफिस है दैट इज इन सैनिक फार्म, W4D 204/5, केशव कुंज, करियप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, साकेत, साउथ दिल्ली पड़ता मैम, एंड अटलांटिस गेमिंग लॉन्च साकेत, अगर कोई भी गूगल सर्च करेगा तो लोकेशन मिल जाएगी, हमारा गेमिंग पार्लर भी उधर ही है। बाकी डिस्क्रिप्शन की आप हेल्प ले सकते हैं, मैंने वहाँ पे फुल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया है। तो गाइज मैंने आपको सारी ही चीजें बता दी है कि पैसे छापने की मशीन आप कैसे परचेज कर सकते हैं। सर लास्ट में एक बार फिर से थोड़ा प्राइस का हमें बता दीजिए, क्या क्या रहेगा? देखो सबसे बेसिक मशीन S19 90 टेरा हैश की है, 1,30,000 प्लस 10,000 फॉर सर्विस चार्जेस, 1,40,000 की आपको रेडी स्टॉक में वो यहाँ पर मिल जाएगी। ऊपर मैम आप 2 करोड़ 5 करोड़ जितना बोलोगे उतना इन्वेस्ट हो जाएगा। कम से कम आपको वो कमा के देती है मैम 18,000 रुपए का रेवेन्यू, ठीक है। आप अगर यहाँ होस्टिंग कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली इंश्योर करके दूंगा कि 8,000 पर मंथ वो आपको देगी। तो आप देख सकते हैं 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट है मात्र, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मशीन परचेज करनी, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, और आपको घर बैठे बस पैसे काउंट करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत के हम पैसे कमाएं, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन आपको मिल गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।